बगावत और खिलाफत का दौर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं केदार सिंह कंसाना, जो कि कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी थे और जमीनी नेता हैं। नमस्कार केदार जी, क्या स्थिति है अभी? आप खिलाफत और बगावत की ओर जा रहे हैं? जब अधिकार नहीं मिलता है तो बगावत और खिलाफत करनी पड़ती है। जैसे किसी भी टीम और किसी भी संगठन में, किसी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को बमुश्किल होता है कैसे चुनाव किया जाए, कैसे किसी को उस ओहदे पर या पद पर या उसको टिकट दिया जाए, इसके बारे में क्या कहें? इन्होंने तय ये किया था सर्वे होंगे। पहले दिन से पार्टी जब चुनाव के बिगुल बजा था, दो ढाई महीने या उससे पहले, इन्होंने ये कहा था कि सर्वे होंगे, जो सर्वे में आएगा उसको हम दें। मेरा सारे सर्वे में टॉप था, फिर मेरा टिकट कहाँ चला गया? क्या सर्वे था? मतलब सर्वे कोई पार्टी का एनालिसिस था या आप? पार्टी का एनालिसिस था कि कौन वर्क कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, कौन नहीं कर रहा है। पूरे ग्वालियर को पता है, मीडिया बंधुओं को पता है, मीडिया लगातार कवरेज कर रही थी। मीडिया का धन्यवाद है कि मैंने कितना वर्क किया। मैंने 4 महीने लग के घूम घूम के मैंने 25,375 लोगों की फौज खड़ी की। उसके बाद आदेश आया कि नारी सम्मान योजना के फार्म भरने, मैंने 45,000 नारी सम्मान योजना के फार्म भरे, ये पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा है। ये भी कहा गया था कि जो जितने नारी सम्मान योजना के फार्म भरेगा उसको टिकट में उतनी कंसीडर किया जाएगा, वो कहाँ चला गया? मैंने अभी 1,00,000 बहनों से राखी बंधवाई है। लगातार मैं 22 साल से वर्क कर रहा हूँ पार्टी के लिए, पोलिंग बूथ पर लोगों को खड़ा किया है। जहाँ बीजेपी का एक छत्र राज्य था उस विधानसभा में, वहाँ मैंने लोगों को खड़ा किया, लोगों को विश्वास दिया, भरोसा दिया कि मैं हूँ, आप पार्टी के लिए काम करो। लोग खड़े भी हुए मेरे साथ। उन्हीं लोगों का ये आदेश है कि भैया हम आपके साथ हैं, आपने हमें इस लायक बनाया था कि हम पार्टी पर बात कर पा रहे थे, पोलिंग पर बात कर पा रहे थे, आप आइए, हम आपके लिए तैयार हैं। तो इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये खिलाफत और बगावत का जो माहौल है, लगभग जिस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, इस तरह का दौर चलता है, क्या सब्र नहीं करना चाहिए था? देखिएगा, जो लोग घर में बैठे हों वो इस्तीफा दें तो वो अलग बात है, सब्र कर लो। आपने तो खुद कवरेज किया है ना, तो आप तो खुद ही समझदार हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था। जब हक नहीं मिलेगा, 2013 में टिकट मांगा, 18 में मांगा, 23 में मांगा, जब इतने में समझ में नहीं आ रहा तो फिर अपना रास्ता चुन लेना चाहिए, वही मैंने अपना रास्ता चुन लिया। संभवतः आपने ऐलान कर दिया कि आप चुनाव लड़ेंगे, अभी बता पाएंगे कि किस पार्टी से लड़ेंगे? मैं शाम तक बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा मैं किस पार्टी से। आप सब लोगों को, मीडिया बंधुओं को बता, पार्टी ज्वाइन करूंगा कि मैं किस पार्टी। ये थे हमारे साथ केदार सिंह जी, जिन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है और बगावत भी किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर। धन्यवाद।